यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। जिला कुल्लू के मुख्यालय पर ढालपुर चौक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का पुतला फूंकना आखिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भारी पड़ गया और कुल्लू पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर प्रदर्शन कर ढालपुर चौक पर यातायात व्यवस्था को बाधित करने के आरोप के मामले में मामला दर्ज कर लिया है। और वहीं फोटो और वीडियो के आधार पर अन्य कार्यकर्ताओं पर भी मामला दर्ज कर लिया गया है। और गौर रहे कि प्रदेश में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर जिला कुल्लू के मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला भी जलाया था और ढालपुर में सरकार के विरोध में नारेबाजी की थी, जिस कारण मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों संग थोड़ी देर के लिए तनातनी का माहौल बन गया था। कांग्रेस जो वर्कर्स हैं 20-25 वर्कर्स द्वारा एक रैली ऑर्गेनाइज की गई थी कांग्रेस के ऑफिस से लेकर ढालपुर चौक तक। सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए थे, उनको चेतावनी भी दी गई थी कि वो रास्ते को अवरुद्ध ना करें और किसी तरह की इलीगल एक्टिविटी ना करें, लेकिन उसके बाद बावजूद भी उन्होंने बीच रास्ते में बहुत ही इरिस्पॉन्सिबली और एक डेंजरस तरीके में कुछ कागज़ उठा के उन पर आग लगाई और आग लगाने के बाद ट्रैफिक जो है वहाँ पे अवरुद्ध हुआ। किसी भी तरह का हादसा होने की भी वहाँ हमें अंदेशा लग रहा था, तो यही सब पहलू ध्यान में रखते हुए 7 लोगों के खिलाफ पुलिस स्टेशन सदर में मुकदमा दर्ज किया गया है। धारा 143 अनलॉफुल असेंबली और धारा 341 रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, किसी का रास्ता अवरुद्ध करना।